कैरी मिनाटी ने गलत किया, मैं भी यूट्यूबर हूँ और जो उसने कहा वो बिल्कुल गलत था। इतनी लंड शक्ल तो शाकालाका बूम बूम की पेंसिल की भी ना थी, है कि इतनी झाट शक्ल की तो नहीं थी। मतलब सीधा गाली दे देता ना, मतलब बचपन की चीज से क्यों टिकटॉक स्टार बनना इतना आसान नहीं होता। कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम और मैं ऐसे बाल लेकर टिकटॉक स्टार बन सकता है तो भूल जाओ। मतलब अगर तुमने ऐसे झाट से नहीं उगा रखे सर पे, सुपर सेवन जब तक नहीं बन जाओगे तुम, तब तक तो वैंचो कॉपी नहीं है तुम्हारा। और क्या मतलब ऐसे नॉर्मल आंखें लेकर टिकटॉक स्टार बन जाओगे तुम, मतलब कि टिकटॉक स्टार बनने के लिए जबरदस्ती आंखें छोटी करनी पड़ती हैं। मतलब बड़ी खुल नॉर्मल आंखों से दे दोगे इंटेंस लुक, मतलब आंखें छोटी करके एकदम ही मोमो बेच लो जाके, ठीक है। और ऐसे नहीं कि ये मर्दाना शक्ल और भरी भरी दाढ़ी लेकर टिकटॉक स्टार बन जाओगे, तुमको तुम्हारी जॉ लाइन हो भी ना तो तुमको फिर भी चिकना रहना है। मतलब बीटीएस के मेंबर ही बन जाओ जाके। अगर तुम्हारी दाढ़ी आती भी है तो उसको एकदम ही प्रॉपर शेप में रखना है। और ये हाथों के बाल तो अगर तुम मर्द लग गए गलती से तो तुम्हारा करियर आड़ में डाल लो अपना करियर। ऐसे नहीं होता कि चले गए उठ के और बाल नॉर्मल रखे हुए सड़क पे घूमते हुए और टिकटॉक स्टार बन गए। ऐसे ऐसे होने लगा तो फिर आसान लग रहा है इनको। मतलब ऐसे नहीं होता जी, ये मतलब चाहिए होता है थोड़ा सा। तुम हाथ जब तक ऐसे नहीं करोगे ना और नहीं ऐसे ये भौहें ऊपर करके और चार्मिंग बनने, ये चार्मिंग का चाम का आएगा तुम्हें, मतलब चाम घंटा का चाम है, यहाँ बैठ जाओ आके। मतलब ऐसी नॉर्मल स्माइल या ऐसे डेड फेस लेकर कि मतलब ऐसे नॉर्मल स्माइल कर दिया और जब तक पूरे मसूड़े नहीं दिखेंगे ना तुम्हारे स्माइल करते हुए तो वो चाम शक्ल देखने वाली नहीं हो तुम्हारी। पर स्माइल ऐसे करनी है कि नहीं बन सकते तुम टिकटॉक स्टार। मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक दिन मैंने सीख लिया माहिर हो गया उसमें, ऐसा नहीं। मतलब ऊपर से ही आप लंड बन के पैदा होते हो तो मतलब हो सकता है कुछ, है ना। ऐसे नहीं है कि रशिया से कुछ ही रांडे आती हैं जो बहुत फेमस होती है और जिनका नाम होता है। वो होते थे ना स्कूल में कुछ बच्चे जिनकी सब मारते थे और फिर वो टीचर को जाके कंप्लेंट करके ऐसे वीडियो डिलीट करवा देते थे। अगले दिन या दो तीन दिन बाद जब फिर पांच छह बंदे मिलके उनको ग्राउंड में कूटते थे तो उनके पोस्ट के नीचे जाके ऐसे कमेंट मारते थे लाइफ लॉन्ग उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज की माँ बहन। इनका टिकटॉक की ऐसे फैमिली होती है, टीम सेवन ऐसे एसपीडी इमरजेंसी पूरी टीम बना रखी होगी। और फैमरा हो तुम, हर बंदा मेरी फैमिली है क्या? मेरे खानदान में चार लोग थोड़ी है, मेरे मतलब पूरा संसार, मेरा बाप बहुत मतलब जूते बेंचो दिए, मतलब बहन जो पत्थर पहन रखा है इतना बड़ा। कैरी मिनाटी ने गलत बोला कि मिठाई की दुकान पे 200 पे बिक जाएगा, मतलब इतना तो नहीं मिलेगा। मतलब ले दे के कुछ 10-15 पैसे शायद, क्या पता वो मिठाई वाला ही तुम्हें मार दे कि क्या लाए हो ये और क्यों लाए हो। मतलब इमोशंस बिकवा लो इनसे, दिन रात कुछ नहीं होता। मतलब बैकग्राउंड दे रखा होगा ऐसे ही आसमानी म्यूजिक होता है उसमें और पीछे एक मतलब बेहद खराब शायरी चल रही होगी कि मैंने उसे अपने प्यार का इजहार किया पर उसने मुझे मना कर दिया। ए पगली, मतलब पगली तेरा बाप, एक तो उसने तेरे को मना किया और फिर ये कॉन्डेसेंडिंग टोन किस बात का है तेरा इसमें, है कि माँ वो होती है। अरे हमको पता है अपने, हमारे पास है, सबके पास होती है भाई, भगवान भी। यार क्या यार तुम भूत पिशाच, मतलब तुम सिर्फ शादी में नाचने के लिए आते हो क्या? जॉइंट वॉइंट तैयार रखा करो। पर सर अभी तो एक और लॉट निकालना है ना टिकटॉकर्स का, यार इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग पॉपुलेशन तो बनाई दी है तो जॉइंट तैयार करो यार, क्या दिमाग खराब कर रहे हो। कैरी ने गलत किया, सिर्फ एक आमिर सिद्दीकी के चक्कर में पूरी टिकटॉकर कम्युनिटी को बदनाम करना, ये मतलब चलो मिस्टर फैजू दो के, चलो एक मंजुल, मिस्टर MNV, रिवॉल्वर रानी, अच्छा ये सिर्फ गाली देने से वीडियो फनी नहीं हो जाती है। माना कि टिकटॉकर की शक्ल देखकर आपके मुंह से आए भेंचोद और ओह झाटू निकल जाता है पर गाली देने से वीडियो फनी नहीं हो जाती। माना कि वो डिजर्व करते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उनको जूते पड़ने चाहिए। इन्फ्लुएंसर वाली बात पे कैरी ने गलत किया उनको नीचा दिखाकर,
इन्फ्लुएंसर्स वो है, बैड इन्फ्लुएंस ही सही, इन्फ्लुएंस तो है उनका सोसाइटी पे। मतलब आमिर सिद्दीकी बैकग्राउंड म्यूजिक तो ऐसा लगा रखा था, ये मतलब संदीप महेश्वरी की तरह, ये जो आसमानी, बात में दम नहीं और बात करनी आती नहीं तो क्या उसको म्यूजिक से कॉम्पनसेट करोगे। इतना भी नहीं बोलना चाहिए था कैरी को, मतलब बैड एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए सोसाइटी में। अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए एक होना चाहिए ना कि ये दिस इज अ बैड एग्जाम्पल, और अगर तुम टिकटॉकर बने तो ये रास्ता मौत को जाता है। मतलब कैरी ने गलत किया कि अपने यूट्यूब चैनल से उसको रोस्ट किया। अगर अपना न्यूज चैनल खोल के रोस्ट करता तो सरकार भी उसका साथ देती। चलो फिर यही था, मैं तो पहले से बोलता आया हूँ कि मेड अप पॉजिटिविटी से दूर रहो तो तुम ये चीजें कंज्यूम कम करोगे। टिकटॉक बिकता ही इमोशंस पे है कि मतलब तुम्हारी जिंदगी में दुख है, नहीं भी हो अगर तो तुम्हारी जिंदगी में एक नोशनल दुख पैदा हुआ है और हम तुम्हारी बाम है। और इस क्रिंज से जितना दूर रह सकते हो रहो, कूलनेस को एम्ब्रेस करो और होप करो कि पूरी कम्युनिटी खत्म हो जाए। और चलो मिलते हैं फिर।